नमस्कार, मैं उषा अपने चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कम समय में बनने वाली, बहुत ही कम सामग्री में बनने वाली मसालेदार गार्लिक पनीर सब्जी। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अपने हिसाब से अपनी पसंद से हम इस पर पीस कर सकते हैं। इसे अब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई कर देंगे थोड़े से तेल में। छोटे बड़े सभी को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन अगर घर में इसमें बनाना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसानी से, बहुत कम सामग्री में इसे कैसे बनाना है। फ्राई होने के बाद इसे निकाल देंगे। मसालेदार पनीर की सब्जी, कढ़ाई में तेल लिया है। अब इसमें जीरा और राई का तड़का लगा लेंगे। घर में मेहमान आने हो, अचानक मेहमान आने हो वाले हैं, या फिर घर में खानी है या टिफिन में देनी है, जैसे रेगुलर सब्जी हम बनाते हैं उसी तरह से ये भी बहुत स्वादिष्ट, बहुत मसालेदार, बहुत कम समय में बनने वाली गार्लिक पनीर सब्जी आज मैं आपको बताऊंगी। तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इसे 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। धीमी आंच पे ही हमें इसे बनाना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के, लेकिन फिर भी 10 मिनट में हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब छोटे छोटे 2 टमाटर लिए हैं मैंने, 1 बड़ा या छोटे 2। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप टमाटर और प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और उसी के हिसाब से मसाले भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गरम रोटी और गरम पराठे के साथ इतनी ग्रेवी काफ़ी है। थोड़ा सा नमक मिला के इसे पका लेंगे टमाटर और प्याज को। 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। अच्छे से पक गए हैं टमाटर और प्याज। अब इसमें 12-13 लहसुन की कलियां बारीक की हुई ऐड करेंगे। लहसुन की कलियां 12-13 मैंने ली है। अब ठंडी के दिन है तो थोड़ा 2-4 और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन टमाटर और प्याज के पकने के बाद ही लहसुन हमें ऐड करना है। पहले लहसुन नहीं डालेंगे तेल में, उससे उसका स्वाद या फिर उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए टमाटर और प्याज के पकने के बाद लहसुन ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ें। अब इसमें हमारे स्वादानुसार मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला मसाला या फिर कांदा लहसुन चटनी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ी शक्कर। 2 टमाटर के लिए मैंने 1/2 चम्मच शक्कर ली है। जब भी किसी सब्जी में या फिर
किसी डिश में टमाटर इस्तेमाल करेंगे तब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से शक्कर ज़रूर ऐड करें, इससे हमारे डिश का, हमारे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। दो छोटे टमाटर के लिए आधा चम्मच शक्कर, सारे मसाले अच्छे से ऐड करेंगे। अब इसमें भुने हुए सेंगदाने का पाउडर, पाउडर ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, वो भी ऐड करेंगे। और एक चम्मच सूखा मसाला, सूखा मसाला जो है इसका मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर देख सकते हैं। सूखे मसाले से कौन सी भी सब्जी कम समय में हम स्वादिष्ट बना सकते हैं, इसे महीने भर के लिए बना कर रख सकते हैं सूखा मसाला, और जब भी चाहिए यूज कर सकते हैं। सारे मसाले मिला लिए हैं, आधा ग्लास पानी मिलाकर अब इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया दिख रही है, बहुत बढ़िया स्मेल भी आ रहा है। बहुत कम समय में कम सामग्री में मसालेदार स्वादिष्ट गार्लिक पनीर की सब्जी तैयार है। जब भी अचानक मेहमान आने वाले हो, अब क्या सब्जी बनानी है तो आप बना सकते हैं गरम गरम रोटी या गरम गरम पराठे के साथ। बहुत बढ़िया सब्जी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे, टिफिन के लिए देनी है या फिर घर में बनानी है तो 10 मिनट में हम इसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बनाइए, खाइए, खिलाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक सभी को नमस्ते।